हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप सभी? आई होप यू गाइस आर डूइंग ग्रेट। सो आज का व्लॉग कुछ है ड्रेस डिज़ाइंस पर जो मैंने स्टिच करवाए हैं अभी रिसेंटली। सोचा कि आप लोगों के साथ भी शेयर कर दूं, आप लोगों को भी कोई हेल्प मिल जाए इसके अंदर। ये है मेरा फर्स्ट कुर्ती जो कि मैंने इस तरीके से सिलवाई है, उसको स्टिच करवाई है। और इसकी फर्स्ट जो है आस्तीन पे मैंने बीच में बीड्स लगवाए हैं, थोड़ा गैप दिया है, फिर बीड्स लगवाए, फिर गैप दिया है। मतलब इस तरीके से कुछ 20 बीड्स मैंने इस पे लगवाए हैं। और इसके आगे भी मैंने एक लेस लगवाई है जो बहुत अच्छी लग रही है। मैं आप लोगों को फुल भी दिखा दूँ, ये देखिए ये फुल इसका है, ये लॉन की कुर्ती है। आप लोग चाहें तो स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं। और बैक इसका कुछ इस तरीके से बिल्कुल प्लेन है इसका बैक। आगे से थोड़ी सी मैंने इसको डिज़ाइनिंग दे दी है, ये इसकी आस्तीन है, कुछ बहुत हसीन इसकी आस्तीन है। ये इस तरीके से इसकी जो है बाजू है, उसके अंदर गैप है। फिर ये सेकंड कुर्ती है, ये भी मैंने जो है बाय की है, ये मैंने अनबीटेबल वालों से ब्रांड है, ये ब्लैक कलर की है। इस पर भी स्टोन वर्क हुआ हुआ है और आगे इसके कढ़ाई हुई भी है, धागे की कढ़ाई, बहुत अच्छा है। ये पूरे शर्ट पे इसके फ्रंट पे कढ़ाई हुई भी है कि आप इसको पार्टी वेयर भी कर सकते हैं और हल्की फुल्की गैदरिंग्स में भी आप इसको वेयर कर सकते हैं। पीछे से ये प्लेन है, सिर्फ इसके अंदर एक डोरी आ रही है। ये बहुत खूबसूरत इसके जो स्टोन आ रहे हैं, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, टसल्स जो इसे कहते हैं। इसमें दो टसल्स डले हुए हैं बड़े साइज़ के, और नीचे भी कुछ इस तरीके से इसकी जो है कढ़ाई हुई हुई है। इसको मैंने लगवाया था खुद से क्योंकि आगे और पीछे इसका थोड़ा शॉर्ट थी डिज़ाइनिंग में, लेकिन मुझे फुल चाहिए था तो मैंने इसको फिर स्टिच करवाई अपने टेलर से। ये इसकी पूरी कढ़ाई वर्क करवाया है इसको पूरा इस तरीके से, देखें कितना खूबसूरत नफासत से काम हुआ है इस पर। इस बहुत हसीन लग रहा है, ये ब्लैक एंड वाइट में है इसका कॉम्बो। टसल से तो इसकी शो उठ गई है इस सूट की। और ये इस तरीके से मैं आप लोगों को पूरा दिखा दूँ, ये इसके टसल्स वगैरह। और ये है मेरी थर्ड कुर्ती, ये भी लॉन की कुर्ती, मैंने इसको स्टिच करवाई है। और इसके भी मैंने आगे फ्रंट पे मैंने तीन तीन करके छोटे छोटे स्टोन वर्क मैंने इस पर लगवाए ताकि ये बहुत खूबसूरत भी लगे। ये शाइनी कपड़ा था और इसके आगे भी थोड़ी सी लेस वगैरह लगी हुई थी। आगे भी इसकी जो है ये आप लोग एम्ब्रॉयडरी देख रहे होंगे, वर्क जो इस पर हुआ हुआ है शाइन में, ये सब टिशू से जो है इसको प्रिंट किया हुआ है। तो इस पर ये स्टोन बहुत अच्छे जा रहे थे, सो मैंने ये स्टोन लगवाए, बहुत अच्छे लग रहे हैं ये भी। अगर आप लोग भी चाहते हैं इस तरीके से सिलवाना तो आप लोग भी देख सकते हैं। ये मैं इसका फुल लुक दिखा रही हूँ, शॉर्ट कुर्ती है ये, आप लोग भी इसका स्क्रीन शॉट ले सकते हैं। फुल है इसका गला भी वे है और फ्रंट से कुछ इस तरीके से है, ये बिल्कुल प्लेन। और नीचे इसके एक छोटी सी जो है जिसे गोटा पाइपिंग कहते हैं वो स्टिच करवाई है, बहुत अच्छी है ये। फुल लुक भी देख लें आप लोग। और ये मेरी दूसरी है कुर्ती जो मैंने सिलवाई है, इसके साथ मैंने ये स्टोन वगैरह जो है स्टिच करवाए हैं ताकि ये थोड़ा सा पॉप अप करे। ये ब्राउन कलर में स्टोन का है, ये ग्रीन में है, मतलब जिस तरीके के भी मुझे मिले अच्छे लगे ये मैंने इस पर लगवा लिया, अटैच करवा लिए हैं टेलर से। और ये तो ये बना हुआ ही था, इसके ऊपर जो वर्क हुआ हुआ है ये धागे की कढ़ाई जो हुई हुई है ये वाइट पे बहुत अच्छा लग रहा है। ये इसकी आस्तीन है, इस पर बनारसी जामावार कपड़ा लगा हुआ है आस्तीन पे, और दो पलेटें भी दी हुई हैं, पलेट्स डाल के इसको स्टिच किया हुआ है। एक दफ़ा आप लोग फुल लुक भी देख लें, मैं आपको फुल लुक भी दिखा रही हूँ। ये इस तरीके से है, थोड़ा मैं आप लोगों को करीब से भी दिखा दूँ किस तरीके से है ये। बहुत अच्छा लगता है जब स्टिच हो जाएगा ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। एक दफ़ा ये पीछे से बिल्कुल प्लेन है और आस्तीन भी इसकी जो है अम्ब्रेला शेप में है, सिंपल नहीं है, अम्ब्रेला शेप में है।
ये देखें इसका फुल लुक भी आप लोग देख लें। अगर आप लोग चाहते हैं स्क्रीनशॉट लेना, आपको अच्छा लग रहा है, पसंद आ रहा है, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। ये मेरी दूसरी कुर्ती है, लास्ट वन, और इसके ऊपर ये कपड़ा बना हुआ, ये बना हुआ था इससे कढ़ाई वगैरह जो हुआ हुआ है, फिर मैंने इसको स्टिच करवाया। इसका गला कुछ बेस से बना हुआ है और देख लें कितना खूबसूरत ये लग रहा है। इसकी आस्तीन आप देखें सिर्फ कितनी हसीन है। टिशू वर्क इस पर हुआ हुआ है, टिशू के साथ ये जो है अटैच हुआ हुआ है। इस पर तीन प्लेट्स भी दी हुई हैं। बहुत अच्छा ये हसीन कुर्ती है, जो बहुत अच्छा है। ये देखें मैं आप लोग को फुल लुक भी दिखा रही हूँ, देखें किस तरीके से है। ये शॉर्ट है ये सारी, क्योंकि आजकल जो है ट्रेंडिंग है शॉर्ट्स कुर्ती का, सो आप लोग भी देख लें ये शॉर्ट कुर्तियाँ हैं। तो ये जीन्स वगैरह पे, टाइट्स पे, प्लाजो पे बहुत अच्छी लगती हैं। ये देखें नीचे इसके जो है ना, ये गोटा वर्क में जो एक बेल होती है वो लगी हुई, मतलब इस तरीके से लैशेस में होके बहुत अच्छी लग रही है। ये आप लोग भी देखें, आप लोगों को भी ज़रूर पसंद आ रही होगी। देखें इस तरीके से नीचे दामन पे भी जो है तीन प्लेट्स, फिर एक गोटा की बेल, फिर तीन प्लेट्स, इस तरीके से ये बहुत अच्छा उठ कर आ रहा है। और इसके बैक पे आप लोग देखें ये किस तरीके से इन्होंने जो है ये डिज़ाइनिंग दे दी, मतलब प्लेन नहीं रखा है, डिज़ाइनिंग दे दी है नेट की करके। आप लोग भी मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग के पास किस तरीके के जो है, आप लोग स्टिच वगैरह करवाते हैं और आप लोग के पास किस तरीके के हैं, कि मैं आप लोग को एक दफ़ा फ़ाइनल लुक दिखा दूँ सारे सूट्स की। जितनी भी मेरी कुर्तीज़ हैं मैं आपको वो दिखा रही हूँ। अगर आप लोग को पसंद आ रहा है तो आप लोग लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें प्लीज़, बेल आइकन को भी क्लिक कर दें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।